24 तारीख इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, जिसमें सदियों बाद पाकिस्तान को जीत नसीब हुई, ताकि उनकी इकोनॉमी में कुछ बढ़ोतरी हो सके, क्योंकि वे साले खुद तो चाइना और अमेरिका के रहमो करम पर पल रहे हैं। इस जीत के बाद पाकिस्तान का एक कोई मंत्री है, उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि ये जीत विश्व में सभी मुसलमानों की है। लेकिन मेरा सवाल भारत के उन गद्दारों से है कि ये गद्दारी करना कहां से सीखी। भारत की हार पर इस तरह का जश्न, मैं तुम लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वही लगाते हैं जो अपने बाप की औलाद होकर भी पड़ोसी को पापा कहकर के बुलाते हैं। मैं पाकिस्तान की जीत पर कुछ नहीं बोलूंगा और ना ही किसी को फैसला दूंगा, क्योंकि हम कभी हारे नहीं। तुम खेल जीत लो, हम खेल खेल में पूरा पाकिस्तान जीत लेंगे। और कोई कह रहा है कि भारत हार गया, एक बात अपने दिमाग से निकाल लो, भारत सदियों से अजय था, अजय है और अजय रहेगा। दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को हरा सके। इस मैच को मैच नहीं, हिंदू और मुस्लिम का एक एजेंडा बना दिया है, जिसके तहत आप भारतवर्ष में देख रहे होंगे कि आजकल किस तरह से भारत के हार पर पटाखे फूट रहे हैं। खेल का असली मैदान वो नहीं जहां पर बैट और बॉल से खेल खेला जाता है, खेल का असली मैदान तो वो है जिसमें भारतीय सेना सरहदों पर अपनी जान देकर उस खेल को जीतती है, जिसके वजह से आज ये बैट बॉल जो हो रहा है ना, ये हो पाता है। पाकिस्तान की जीत पर जितने भी पटाखे फूट रहे हैं भारत में, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा एक ऐसा कानून इन पर तुरंत लगाया जाए, ताकि इन देशद्रोहियों को पकड़कर इन पर कोई कड़ा अनुदंड लगाया जाए। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है, संशयातम विनश्यति, यानी जो संशय में रहता है, शक में रहता है, वो नष्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह हिंदू अगर संशय में रहेगा और कोई एक्शन नहीं लेगा तो नष्ट हो जाएगा। और हमसे बार बार देशभक्ति का सबूत मांगने वालों, ये वीडियो से तुम्हें जरूर पता चल रहा होगा कि देशभक्त और देशद्रोहियों में अंतर क्या है। हमारी ये सोच है कि पाकिस्तान की ओर भारत के अंदर रहने वाले पाकिस्तान के समर्थकों की मेरी भारत सरकार से और देश के लोगों से ये भी अपील है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े हैं, इसकी उचित तरीके से जांच करवाकर फैसला ले, या तो इन लोगों की फांसी की सजा दी जाए या फिर इन लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाए।